हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या कर रहे हो और आजकल आपके क्या क्या काम चला हुआ है? तो थोड़ी सी शेर व शायरी हो जाए। उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं। तो मैं आपको आज ना एक ऐसे पौधे से रूबरू करवा रही हूँ कि जो एक देखने को तो बहुत ज़्यादा सुंदर और खाने में बहुत रस भरी और न्यूट्रिएंट से बिल्कुल पूरा। तो ये देख रहे हो ना आप, तो ये पौधा है स्ट्रॉबेरी का। तो ये स्ट्रॉबेरी का पौधा लगभग ये कोई 15 दिन का पौधा है, आप देख रहे हो। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये ना, अगर आप 5 पौधे अगर लाए बाज़ार से, तो इसके 50 पौधे अगले साल अपने आप बना सकते हो और दूसरे साल इसकी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे को ज़रूर ही अपने घरों में ना, ज़्यादा नहीं हो ना, तो 5 या 7 पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। तो पहले साल तो कुछ पौधे ला के लगाएं और दूसरे साल देखना आप लगभग आप 50 पौधे बना सकते हो इससे। तो ये रस भरी स्ट्रॉबेरी का पौधा, और ये ना लगभग 50 दिन के बाद ना फल देना शुरू कर देता है, लगाने के 50 दिन के बाद। आप देख रहे हो ना, ये देखो। और दूसरी बात, इसमें मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ्रूट जो मिट्टी के साथ ना लग जाते हैं नीचे। तो अगर हम जब ये पौधा लगभग 1 महीने का हो जाए ना, तो इसमें हमारे को मल्चिंग कर लेनी चाहिए, वरना ये मतलब मिट्टी के साथ लगेगा नीचे और ख़राब हो जाता है। अगर हम ये पौधा मिट्टी के साथ लग के ख़राब हो जाए, तो इसके लिए सड़ जाए, तो इसके लिए ना हमारे को मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर भी हमारे कुछ मतलब सड़न ज़्यादा लग जाए, तो हमारे को नीम के तेल की स्प्रे कर लेनी चाहिए। और अगर फंगस सोचे ना आप, भी फंगस, तो ये देख रहे हो ये ऐसा फूल होता है इसका, फंगस लग जाए तो आपको खट्टी लस्सी की इसमें स्प्रे कर लेनी चाहिए। तो ये देखो, बहुत ही सुंदर देखने को भी और खाने को। तो स्ट्रॉबेरी बहुत ही मतलब रस भरी होती है, और इसको ना बीज से भी आप तैयार कर सकते हो, और इसमें बीज होते हैं और इससे भी आप तैयार कर सकते हो। तो ये देखो, ये है स्ट्रॉबेरी के पौधे। और अगर जैसे पहले साल हमने लगाए, तो उससे अगले साल ना इससे मतलब छोटी छोटी जड़ें निकलती है, और उसी से ही आगे हम पौधे से पौधा तैयार कर सकते हैं। और अगर एक ही बारी में खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा रेख देख करने की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। और ये तो गमले, अगर हम गमले में भी लगा लें अपने लायक, तो गमले में भी हो जाती है बड़े आराम से, बस थोड़ी सी इसके मल्चिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देख रहे हो ना आप स्ट्रॉबेरी के फल, तो ये बहुत ही न्यूट्रिएंट होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फ्रूट भी ये मतलब 50 दिन के बाद ये फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये देखो, ये है स्ट्रॉबेरी जो हमारे बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से लगाई हुई है, और इसमें कोई हमने ना कोई स्प्रे करते हैं और ना ही हम इसमें कोई स्प्रे वगैरह डालते हैं। तो इसके साथ मैं आपको जंगली स्ट्रॉबेरी बता दूँ, तो आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में कि क्या आपकी भी ऐसी जंगली स्ट्रॉबेरी होती है। हमारे तो यहाँ ये देखो, ये जंगली स्ट्रॉबेरी है, और जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो अब भी खाते हैं, मगर छोटे तो बहुत खाया करते थे, मगर हमारे को ऐसा पता नहीं था कि ये जंगली स्ट्रॉबेरी है। तो ये देख रहे हो ना आप, हमारे जो खेतों की मतलब मेड़े वगैरह होती है ना,
वहाँ बहुत लगी रहती है। और इसका भी टेस्ट आपने अगर कभी खाया होगा तो आपने देखा होगा ना कि सेम स्ट्रॉबेरी की तरह होता है इसका टेस्ट भी। तो वैसे जंगली फल फ्रूट तो वैसे भी पूरे न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं, तो हमारे को अगर हो जंगली भी तो इसको भी हमारे को खाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जंगली है तो हमने खाना नहीं है। तो इसमें भी बहुत विटामिन युक्त होता है। और तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने खाया है। और ये देखो ऐसे हमारे मतलब इसका साइज थोड़ा छोटा होता है और बाकी टेस्ट इसका एक जैसा होता है। तो ये है जी जंगली स्ट्रॉबेरी। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना। और मैं बोलती हूँ कि आप खुश रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, भगवान आपको तंदुरुस्त रखे।